वेंकटापुर गांव में रही सुभद्रा एक गरीब परिवार की सास है। सुभद्रा को रमेश नाम का एक बेटा और राधिका नाम की एक बहू है। रमेश शहर के एक कंपनी में सिक्योरिटी गार्ड का काम करके पैसे कमाने लगा। सुभद्रा रमेश की कमाई को संभाल के खर्चा करके परिवार चलाती थी। बहू राधिका घर का पूरा काम करके सबसे प्यार से रहने लगती है। इस तरह थोड़े दिन बीत जाते हैं। एक दिन राधिका को अचानक से जुकाम होके बहुत खांसी आने लगी। खांसी से परेशान हो रही बहू को देख के सुभद्रा रमेश से ऐसे कहने लगी, रमेश बेटा, आज शाम को शहर से तू घर वापस आते समय तेरी पत्नी के लिए कॉफ सिरप लाना। नहीं सासु माँ, थोड़े दिनों में कम हो जाएगा ना। तू चुप रह बहू, सेहत के मामले में लापरवाही नहीं करना है। रमेश बेटा, उसकी बात छोड़ और तू घर आते समय कॉफ सिरप लाना। ऐसे सुभद्रा कहने पर रमेश उसका ड्यूटी खत्म होने के बाद एक मेडिकल शॉप को जाकर कॉफ सिरप पूछता है। ठीक उसी समय उस शॉप को और एक कस्टमर आके भूख बढ़ने की सिरप पूछता है। तब मेडिकल शॉप व्यापारी ने कॉफ सिरप और भूख बढ़ने की सिरप दोनों टेबल पर रख के उनसे पैसे पूछता है। रमेश व्यापारी को पैसे देते समय रमेश का साइकिल हवा के कारण नीचे गिर जाती है। तब रमेश पैसे देकर गिरी हुई साइकिल उठाने जाता है। इतने में वहां आए दूसरे कस्टमर बहुत बिजी बिजी फोन में बात करके व्यापारी को पैसे देके कॉफ सिरप लेके चला जाता है। ये सब मेडिकल शॉप व्यापारी भी ध्यान नहीं देता। उसके बाद रमेश आकर भूख बढ़ने का सिरप बैग में डाल लेता है। भैया ये कैसे यूज करना है? ज्यादा खांसी रहने से दिन में 3 बार पीना है। ऐसे व्यापारी कहने पर रमेश भूख बढ़ने वाली सिरप घर ले जाकर राधिका से दिन में 3 बार 3-3 स्पून पिलाता है। अगले दिन सुबह राधिका नींद से उठ के इडली बनाती है। राधिका टिफिन बनाते समय उसे बहुत ज्यादा भूख लगने लगी। तब वो अपने मन में, ये क्या, आज मुझे बहुत भूख लगी है, ऐसे सोच के इडली तैयार हो जाने के बाद सास सुभद्रा को और पति रमेश को टिफिन दिए बिना ही किचन में बैठ के एक प्लेट भर इडली रख के खाती रहती है। थोड़ी देर बाद सुभद्रा और रमेश किचन में जाके इतने सारे इडली खा रही राधिका को देखकर आश्चर्य हो जाते हैं। तब सुभद्रा को शक होके, रमेश बेटा, आज तेरी पत्नी इतने सारे इडली क्यों खा रही है? मुझे भी समझ में नहीं आ रहा माँ, वो आज तक हम दोनों से पहले कभी नहीं खाई, पता नहीं वो आज क्यों ऐसे कर रही है। किचन में खड़े रह के कुसुर पुसुर बातें कर रहे माँ बेटे को देखकर राधिका ऐसे कहने लगी, माफ कीजिए सासुमा, मुझे बहुत भूख लगी है, आप दोनों के लिए बनाए इडली भी मैं ही खा ली सासुमा। क्या 15 इडली तो अकेली खा ली? चुप रह बेटा, कोई बात नहीं राधिका, फिर से गरम गरम इडली बना दे, हम वेट करेंगे। ऐसे कह के माँ बेटे वहाँ से चले जाते हैं। थोड़ी देर बाद सुभद्रा खाने में पकाने के लिए सब्जियां खरीदने मार्केट को जाती है। उसे मार्केट में सब्जियां खरीदने में देर होती है। घर वापस आने के बाद किचन में रही राधिका को देख के फिर से वो शॉक हो जाती है, क्योंकि इस बार राधिका एक बड़े केले के पत्ते में बहुत सारा चावल रख के, बाजू अचार का बॉटल रख के, अचार चावल में मिला के बड़े बड़े गोले बनाकर हुटाहुट खाने लगी। तब सुभद्रा ने, राधिका सब्जियां लाने तक रह नहीं सकी, अचार के साथ खाने लगी? हाँ सासु माँ, मुझे बहुत भूख लगी और अचार के साथ खा ली। अब फील मत होइए सासु माँ, आपके साथ भी मैं खाऊंगी ना। क्या फिर से तू खाएगी? उस दिन राधिका की भूख देखकर सुभद्रा के होश उड़ जाते हैं। शाम होने के बाद घर के पिछवाड़े में केले के पेड़ को रहे ढेर सारे केले दिखाई नहीं देते। उससे सुभद्रा अपने आप में ऐसे सोचने लगी, अरे कल तक तो बहुत सारे केले दिखाई दिए, पर आज कहाँ गए? ऐसे सोचते समय सुभद्रा के सर पर केले के छिलके गिरने लगे। केले के छिलके घर के छत पर से गिरना देखती है। कौन खा के ऐसे केले के छिलके फेंक रहे हैं सोच के सुभद्रा छत पर जाके देखने पर वहाँ राधिका ढेर सारे केले आगे रख के
एक एक केला छिलका निकाल कर खा के छिलके नीचे फेंकने लगी। खाने की शौकीन बहू को देखकर सुभद्रा रमेश शहर से घर आने के बाद, रमेश बेटा, तेरी पत्नी दोपहर के खाने में हम साल भर खाए अचार को एक दिन में ही खा ली। इसके अलावा हमारे पिछवाड़े में रहे केले के पेड़ को रहे केलों को आधा घंटे में वो खा ली। बेटा, तेरी पत्नी की भूख देखने से मुझे तो बहुत डर लग रहा है। ऐसे सुभद्रा राधिका के बारे में कहने पर रमेश उसकी पत्नी को भूख की बीमारी आई है सोच के शहर में रहे डॉक्टर के पास ले जाता है। तब डॉक्टर ने, देखो रमेश, तेरी वाइफ कब से ऐसे कर रही है। डॉक्टर साहब, एक बार राधिका को खांसी आई, तब मैं मेडिकल शॉप से एक दवाई ले गया, वो दवाई पी ली, उसके बाद से ये ऐसे खाने की शौकीन हो गई। ओ, एक बार वो सिरप मुझे दिखाओ। डॉक्टर साहब, वो सिरप अभी तक रहेगा क्या? वो तो मैं कब का पी ली। कम से कम खाली बोतल तो दिखाओ। ऐसे पूछने पर वो बोतल दिखाता है रमेश। तब वो बोतल देखकर डॉक्टर ऐसे कहने लगा, ओ नो, ये कॉफ सिरप नहीं है, भूख बढ़ाने वाली सिरप है, इसी के कारण तेरी पत्नी ऐसे खाने की शौकीन बन गई। तो आप कैसे, डॉक्टर साहब, मेरी पत्नी की भूख मिटाने के लिए मेरी कमाई काफी नहीं होगी। घबराओ मत रमेश, पहले ये दवाई पीना बंद कर दो। दो दिन तक राधिका को ऐसे ही बहुत भूख लगेगी, उसके बाद धीरे धीरे कम हो जाएगा। पर राधिका ज्यादा फूड खाने पर बहुत मोटी हो गई, इसीलिए हर रोज राधिका से जॉगिंग कराओ, तब फैट बर्न होके थोड़े दिनों में नॉर्मल पोजीशन को आएगी, ठीक है ना? ऐसे डॉक्टर कहने पर रमेश ये पूरा विषय सुभद्रा को बता के उस दिन से राधिका से जॉगिंग करा के फिर से पहले राधिका की तरह बदल देता है। रेपल्ले गांव में रहे रंगम्मा को ऋत्विक और राधिका नाम के बहू बेटे थे। ऋत्विक उसके गांव में एक नया व्यापार शुरू करने के सोच में रहता है। तो कौन सा व्यापार करने से बहुत पैसे कमा सकते हैं, वो पूरा परिवार एक कमरे में बैठ के सोचने लगे। तब ऋत्विक माँ से, माँ, तुझे खाना बनाना बहुत अच्छा आता है ना, तो एक टिफिन होटल खोले, क्या कहती हो? टिफिन होटल आइडिया तो बहुत अच्छा है बेटा, पर ऑलरेडी हमारे गांव में दो टिफिन सेंटर्स है ना, और अब हम ये होटल खोलने से ज्यादा मुनाफा नहीं मिलेंगे ना। एक काम करते हैं माँ, राधिका को टीचिंग आता है ना, तो एक प्राइवेट स्कूल खोलते हैं ना, क्या कहती हो माँ? तुम इस गांव में रहे बच्चों को देखे ना बेटा, ज्यादातर बच्चे स्कूल नहीं काम पर ही जाते हैं, तब वो प्राइवेट स्कूल को क्यों आएंगे बेटा? ये भी सच है माँ, तो अब हम क्या करें? ऐसे माँ बेटे सोचते समय राधिका को एक आइडिया आके उसके आइडिया के बारे में सासू माँ को बताती है। तब रंगम्मा बेटे से, ऋत्विक बेटा, राधिका के पास एक बिजनेस आइडिया है। सच? तो वो आइडिया उसके पापा को बोलने को बोलो, कोई काम आएगा। क्यों बेटा, उसका मजाक उड़ाते हो, एक बार उसका आइडिया भी सुनो ना। हमें उसके सलाह नहीं चाहिए माँ, मुझे अभी अभी एक आइडिया आया है। वो क्या है ना, तालाबों में मछली का व्यापार। इस गांव में रहे खेतों को किराए पर लेके उन्हें तालाबों में खोद के उसमें मछलियाँ पालेंगे माँ। ऐसे ऋत्विक खुद निर्णय करके बाहर चला जाता है। तब राधिका रंगम्मा से, ये क्या सासू माँ, मेरा आइडिया अमल करने की जरूरत नहीं है, पर सुन तो सकते हैं ना सासू माँ? उसके बारे में तुझे पता है ना राधिका, वो किसी की बातें नहीं सुनता, और अगर सुन लिया तो अमल करेगा। उसके बाद ऋत्विक बहुत पैसे निवेश करके व्यापार शुरू करता है। पर थोड़े दिन बीतने के बाद बारिश के मौसम में उस गांव के आसपास बहुत बारिश पड़ के बाढ़ आती है। तब ऋत्विक के तालाब में रहे मछलियां बाढ़ के पानी में बह जाते हैं, उससे ऋत्विक के व्यापार में बहुत पैसे नुकसान होते हैं। तब घर पर बैठ के ऋत्विक उदास होते समय रंगम्मा ऋत्विक के पास आकर ऐसे कहने लगी, बाप रे, कितनी धूप है, एक तरफ गर्मी और एक तरफ ठीक से करंट भी नहीं रहता। बेटा, तुम क्यों इतना उदास लग रहे हो? कुछ नहीं माँ,
पिछले बारिश के मौसम में हमारे व्यापार में बहुत पैसों का नुकसान हुआ। अभी इस गर्मी के मौसम में नया व्यापार शुरू करने के लिए डर लग रहा है माँ। देखो बेटा, व्यापारों में मुनाफा और नुकसान स्वाभाविक है, उसके बारे में ज्यादा सोचो मत बेटा। ऐसे बातें करते समय वहाँ राधिका आकर उसके बिजनेस आइडिया को रंगम्मा के कान में बताती है। तब ऋत्विक ने, क्या है सास और बहू कान में सीक्रेट्स बोलने लगे? वो सीक्रेट नहीं है बेटा, राधिका बिजनेस आइडिया बोल रही है। सच कहूँ तो उसका आइडिया बहुत अच्छा है बेटा, तो सुनने से जरूर पसंद आएगी। ठीक है, वो बिजनेस आइडिया राधिका को बोलने बोलो, मैं सुन के बताऊंगा। वो क्या है ना जी, अभी गर्मी के मौसम में धूप के वजह से और पावर कट के कारण सब गांव वाले बहुत परेशान हो रहे हैं ना, इसीलिए हम गांव में रहे पुराने आइस फैक्ट्री को खरीद के मरम्मत करके आइस ब्लॉक्स तैयार करेंगे। तब सब गांव वाले हमारे पास से ही आइस ब्लॉक्स खरीदेंगे। गर्मी की वजह से घर में पानी गर्म हो रहा है ना, उसमें ये आइस ब्लॉक्स डाल देंगे। ऐसे राधिका आइस बेचने का व्यापार के बारे में बताने पर ऋत्विक को वो आइडिया बहुत पसंद आता है। अगले दिन ऋत्विक बिना देर किए उस गांव के पास रहे पुराना आइस फैक्ट्री को खरीद के उसमें आइस ब्लॉक्स तैयार करके गांव वालों को बेचने लगा। थोड़े दिनों तक उनका व्यापार अच्छे से चलता है, पर कभी कभी गांव वाले कम खरीदने पर बहुत सारे आइस ब्लॉक्स पिघल जाते हैं। तब राधिका को और एक आइडिया आता है, वो क्या है ना, आइस ब्लॉक्स को आइस बेड्स में बदलना। ऐसे आइस बेड्स का आइडिया आने के बाद वो आइडिया सास रंगम्मा को बता के उसकी सहायता से फैक्ट्री में बेकार पड़े आइस ब्लॉक्स से आइस बेड्स तैयार करती है। वो आइस बेड्स ऋत्विक को दिखाती है, तब वो ऐसे कहने लगा, राधिका ये आइस बेड तो बहुत ही अच्छा है, पर इसे कैसे यूज करना है? बहुत आसान है जी, इस आइस बेड पर एक मोटा बेडशीट डाल के सो जाने से गर्मी बिल्कुल नहीं लगती, एक आइस बेड पूरा दिन आएगा। ऐसे राधिका उसके बनाए आइस बेड के बारे में बताती है। वो अजीब आइस बेड ऋत्विक को पसंद आ के और 3-4 बना के बहुत सारे कस्टमर्स को दिखाता है। कस्टमर्स वो आइस बेड्स देखकर गर्मी के मौसम में आइस बेड्स बहुत अच्छे से काम आएंगे सोचकर आइस बेड्स खरीदना शुरू करते हैं। तब ऋत्विक राधिका से ऐसे कहने लगा, राधिका तुझे ऐसे वैरायटी आइडियाज कैसे आते हैं? हमारे आइडियाज हर बार समय के साथ इनोवेटिव रहना है जी, तब व्यापार में मुनाफे अपने आप आएंगे, ऐसे जवाब देती है। तब से ऋत्विक और रंगम्मा समझ लेते हैं कि राधिका उन दोनों से बहुत होशियार है।